हेलो गाइस, नॉलेज जंक्शन मैप 1991 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मेट टाइप में एड्रेस फंक्शन फॉर्मूला के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आप प्रेस करेंगे, रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल EXEL, ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। तो हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है, देख सकते हैं ये हमारा डेटा सेव है, दिखा है, देख सकते हैं। एड्रेस फंक्शन मतलब जो हमारा सेल है एड्रेस, तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट टैब में जाएंगे, देख सकते हैं इसके अंदर ये लिखा है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बॉक्स ओपन हो गया है। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एम प्लस ओ, ऑल्ट के साथ एम प्लस ओ, तो देख सकते हैं शॉर्टकट की से लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन का ऑप्शन शो हो गया है। हम पहला ऑप्शन हमारा एड्रेस, तो हम क्या करेंगे इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं रो नंबर कॉलम नंबर, देख सकते हैं एबीएस नंबर। तो हम क्या करेंगे रो नंबर हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 2, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम रो 3 टाइप करेंगे, कॉलम 2 टाइप करेंगे, एबीएस दे सकते हैं, रो नंबर वह पंक्ति नंबर जिसे आप एड्रेस में शामिल करना चाहते हैं, कॉलम नंबर वह कॉलम नंबर जिसे आप एड्रेस में शामिल करना चाहते हैं, एबीएस नंबर ये हमारा वैकल्पिक है, जैसे 1 टाइप करेंगे तो ओमिटेड क्या शो करेगा यहां पर $A $1। अगर हम 1 को सिलेक्ट करेंगे, अगर हम 2 को सिलेक्ट करेंगे तो क्या शो करेगा कॉलम ए और रो डॉलर में शो करेगा। इसी तरह हम 3 को सिलेक्ट करेंगे एबीएस नंबर, तो दे सकते हैं $A और यानी कि कॉलम में डॉलर लगेगा और रो पर डॉलर नहीं लगेगा। इसी तरह 4 कॉलम लेंगे यानी 4 सेलेक्ट करेंगे तो रिलेटिव यानी कि इस पर कोई डॉलर नहीं शो करेगा। इसी तरह दे सकते हैं वैकल्पिक एड्रेस A1 और R1 C1, यानी कि A1 सिलेक्ट करेंगे तो ट्रू यानी कि 1 और फाल्स R1 C1 यानी कि 0। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मेन चीज है आर्गुमेंट, ये क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या टाइप किया यहां पर रो में 3 कॉलम में 2, इसको हम अभी इग्नोर करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं B3 यानी कि राइट आंसर निकला है B कॉलम
और थ्री हमारा दे सकते हैं रो। हम दूसरा तरीका, हमें क्या निकालना है, एबीएस नंबर 4। तो हम क्या करेंगे, कहीं भी किसी भी सेल में कर्सर रखेंगे, या फिर हम, ये तो हो गया हमारा, यहां से हम दूसरा तरीका बताएंगे, कहीं भी कर्सर रख लेंगे, इक्वल बराबर लगाएंगे, कौन सा फंक्शन, एड्रेस फंक्शन, देख सकते हैं फोन हमारा सो गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, रो नंबर अभी हमने बताया था 3, कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर 2, एबीएस नंबर अभी इसको इग्नोर करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं बी कॉलम और 3 हमारा रो, राइट आंसर निकला है। अब हम दूसरा तरीका बताएंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है, नंबर 4, तो हम यहां पर कर्सर रखेंगे, इक्वल बराबर लगाएंगे, एड्रेस फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा शो, इसमें डबल करेंगे, रो 3 कॉमा लगाएंगे और कॉलम 2 कॉमा लगाएंगे, एबीएस नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 4 लिखा है, तो हम क्या टाइप करेंगे, 4 टाइप करेंगे, देख सकते हैं रिलेटिव, हमने 4 को सिलेक्ट किया है, तो देख सकते हैं रिलेटिव A1, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है, B3, यानी कि डॉलर हट चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर लगा था। इसी तरह हम अगला एग्जांपल, हमें क्या निकालना है, एड्रेस के साथ C2 फॉर्मूला आगे, इक्वल एड्रेस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एड्रेस फंक्शन, डबल करेंगे, रो नंबर 3 कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर 2 कॉमा लगाएंगे, एबीएस नंबर इस बार हम क्या लेंगे, 1, क्या लेंगे, देख सकते हैं 1 ओमिटेड एब्सोल्यूट, तो यहां पर 1 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ए नंबर, तो दे सकते हैं क्या शो हो रहा है यहां पर, ट्रू A1, A1 में ट्रू, तो हम क्या पास करें यहां पर, ट्रू फंक्शन, सॉरी दे सकते हैं ट्रू फंक्शन, कॉमा लगाएंगे, सीट टेस्ट, सीट टेस्ट हम क्या लेंगे, हम कौन सी सीट पर हैं, हम जिस सेल में कर्सर रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीट यानी कि शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा ओपन सीट, टू टाइप कर सकते हैं, या फिर हम डी, तो यहां पर हम टू टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ कॉमा क्लोज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं क्या आंसर निकला है, C2B3, राइट आंसर निकला है, देख सकते हैं। अगला एग्जांपल, जैसे यहां पर हम कोई भी नंबर टाइप कर लेंगे, या फिर हम
जैसे हमने यहां पर डाल दिया वन कॉमा सॉरी दूसरे सेल में टू, हम इसको ड्रैग करके इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके नीचे ले आएंगे यहां तक। हमें क्या निकालना है, हमें क्या पता करना है, सेल एड्रेस पता करना है। इक्वल बराबर लगाएंगे एड्रेस फंक्शन दे सकते हैं, इस पर डबल करेंगे रो, यानी कि क्या सेलेक्ट करें यहां पर रो दे सकते हैं, इस पर डबल करेंगे रेफरेंस यानी ये सेल ए वन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे कॉलम नंबर, कॉलम नंबर हम क्या लेंगे यहां पर कॉलम फंक्शन देख सकते हैं, स्पेबल करेंगे रेफरेंस यानी ये सेल ए वन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे एबीएस नंबर, एबीएस नंबर हम यहां पर क्या लेंगे दे सकते हैं रिलेटिव, तो हम यहां पर क्या टाइप करेंगे फोर, कॉमा लगाएंगे ए वन, ए वन हमारा क्या है यहां पर ट्रू और फॉल्स, तो हम यहां पर क्या सिलेक्ट करेंगे वन, क्या सिलेक्ट करेंगे ट्रू को हमने क्या माना है वन, तो टाइप करेंगे वन, देख सकते हैं यहां पर लिखा है ट्रू, यहां पर क्या लिखा है ए वन, तो हमने क्या वन क्या टाइप किया यहां पर वन, एक्सेल में ट्रू को वन माना है और फॉल्स को जीरो, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है ए वन। हम क्या करेंगे इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे या फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं क्या एड्रेस निकला है, सेल एड्रेस ए वन ए टू ए थ्री राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सी टू पर पहुंचेंगे, हमें पहले क्या निकालना है, पहले बेसिस यूज करेंगे एड्रेस फंक्शन का, यूज हमने रो फोर और कॉलम थ्री, तो यहां पर हम यूज करेंगे इक्वल बराबर लगाएंगे एड्रेस दे सकते हैं फॉर हमारा सो, इस पर डबल करेंगे रो यानी फोर कॉमा लगाएंगे कॉलम थ्री कॉमा लगाएंगे, या इसको अभी यहीं पर इग्नोर करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है सी फोर राइट आंसर निकला है सी कॉलम दे सकते हैं और फोर हमारा रो, कहीं भी टाइप कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल हमें क्या निकालना है यहां पर स्पेसिफिक रिलेटिव रेफरेंस निकालना है, तो क्या टाइप करेंगे इक्वल एड्रेस फंक्शन स्पेशल करेंगे रो फोर टाइप करेंगे कॉमा लगाएंगे कॉलम यानी थ्री और कॉमा लगाएंगे एबीएस क्या टाइप करें यहां पर फोर। अभी हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट फोर यानी रिलेटिव, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो क्या आंसर निकला है सी फोर यानी कि डॉलर साइन हट चुका है। अगला एग्जांपल
यूजिंग विद आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल बराबर एड्रेस फंक्शन देख सकते हैं, इस पर डबल करेंगे रो हमारा 4 कॉमा कॉलम 3 कॉमा एबीएस, एबीएस नंबर हम यहां पर क्या लेंगे 1, क्या लेंगे यहां पर 1 कॉमा लगाएंगे A1, यहां पर हम क्या लेंगे फाल्स यानी 0, तो हम यहां पर क्या टाइप करेंगे फाल्स, इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है R4C3, क्या आंसर निकला है रो हमारा क्या है 4 कॉलम हमारा 3। अगला एग्जांपल एड्रेस इन डिफरेंट सीट यानी कि सीट 2, तो हम क्या करेंगे कहीं भी कसर रख सकते हैं या सीट 2 पर रख सकते हैं, कैसे समझें यहां रख लिया कहीं भी रख लिया, इक्वल बराबर लगाएंगे एड्रेस फंक्शन देख सकते हैं फंक्शन हमारा सो इसमें ड्रिल करेंगे रो यानी 4 कॉमा लगाएंगे कॉलम 3 कॉमा लगाएंगे एबीएस नंबर क्या लेंगे यहां पर 1, अब हम क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे A1 ट्रू तो ट्रू सेलेक्ट करेंगे यहां पर स्क्रॉल करेंगे कॉमा लगाएंगे सीट टेस्ट यहां पर हम क्या लेंगे सीट 2 सबके साथ ओपन टेस्ट बार करेंगे सीट 2 शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा क्लोज शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है C2 C4 राइट आंसर निकला है। अब अगला एग्जांपल हमने आइटम टैग कर रखा है यहां पर ध्यान देना होगा इक्वल क्या लगाएंगे बराबर हमें क्या निकालना है एड्रेस फंक्शन यानी कि ये जो टाइप किया है हमने ये कौन से सेल में है एड्रेस दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया इसमें डबल करेंगे रो नंबर हम क्या लेंगे तो हम रो को सिलेक्ट करेंगे यानी रो फंक्शन इस पर डबल करेंगे रेफरेंस यानी ए सेल A17 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे कॉलम नंबर तो हम पहले कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे रेफरेंस यानी ये सेल A17 हम क्या करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे एबीएस नंबर क्या लेंगे यहां पर 4 सिलेक्ट करेंगे रिलेटिव कॉमा लगाएंगे A1 क्या लेंगे 1 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है A17। अगर हम ये हमारा जो सेल एड्रेस निकला है उसी के साथ अगर हम आइटम को भी लेना चाहें इसी के बराबर में वो कैसे लेंगे जरा ध्यान देना होगा। यहीं पर हम
क्या करेंगे, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है तो हम यहां पर एंड, कौन सा फंक्शन, एंड शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में 7 प्रेस करेंगे, देख सकते हैं एंड का सिंबल शो हो गया है। शिफ्ट के साथ एंटर कमा ओपन, क्या लगाएंगे, इक्वल बराबर, शिफ्ट के साथ एंटर कमा क्लोज, हमें कौन सा सेल लेना है, ये सेल, तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले हम क्या लगाएंगे एंड, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे एंड, अब हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं A17, अब हम क्या करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे या फिर ऐसे ही इसको रहने देंगे, अब एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं A17 इक्वल ग्रीन, हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, सभी का आंसर निकालना है तो दे सकते हैं A18 यानी फैन राइट आंसर निकला है। अगर हम दूसरा एग्जांपल, यहां पर हम क्या करेंगे इक्वल बराबर लगाएंगे, एड्रेस फंक्शन दे सकते हैं, फॉर्म हमारा सो इस पर क्लिक करेंगे, रो नंबर यानी कि यहां पर हम सेल फंक्शन का यूज करेंगे, अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने रो को सिलेक्ट किया था, अब यहां पर सेल निकालना है तो हम सेल फंक्शन का यूज करेंगे, देख सकते हैं सेल फंक्शन शो हो गया, इसमें क्लिक करेंगे एड्रेस, इसको सिलेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे, रेफरेंस यानी कि ये सेल A17 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं क्या आंसर निकला है, डॉलर में हमारा क्या सेल निकला है, तो हमें डॉलर शो नहीं करना है, हमें क्या शो करना है, केवल हमें रो हटाना है, सॉरी डॉलर को हटाना है, A17 जैसे ये लिखा है A17 इसको हमें रखना है, तो हम क्या करेंगे यहीं पर हम सेल एड्रेस, यहां पर हम क्या पास करेंगे सब्टीट्यूट फंक्शन, कौन सा फंक्शन सब्टीट्यूट, देख सकते हैं सब्टीट्यूट, इस पर हम डबल करेंगे, अब हम यहां पर कर्सर रखेंगे लास्ट में, हम क्या पास करें यहां पर कौन सा सेल, मैं क्या निकालना है इसमें से डॉलर, तो हम क्या पास करेंगे पहले हम कॉमा लगाएंगे, ओल्ड टेस्ट हमारा क्या रहेगा डॉलर जो शो हो रहा था, तो शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा ओपन, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो देख सकते हैं डॉलर का सिंबल शो हो गया है, शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे न्यू टेस्ट हमें यहां पर क्या रखना है नल, तो शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा दो बार टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम क्या करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे,
तो देख सकते हैं क्या आंसर निकला है, A17। इसको हम ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे या फिर इसको प्लस का निशान है इस पर डबल करेंगे, देख सकते हैं राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल शीट 3 पर पहुंचेंगे, नंबर कॉलम लेटर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे ये भी हमारा जबरदस्त फॉर्मूला है। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल बराबर एड्रेस फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो, इस पर डबल करेंगे रो नंबर, यानी कि क्या टाइप करें यहां पर एड्रेस, क्या पास करें यहां पर वन, रो नंबर हमारा क्या है ये सेल A2, तो हम क्या करें यहां पर A2 की जगह रो नंबर वन दे सकते हैं, कॉमा लगाएंगे कॉलम नंबर, तो यहां पर क्या लेंगे कॉलम नंबर ये सेल A2, कॉमा लगाएंगे ABS नंबर, यानी 4 सिलेक्ट करेंगे, 4 टैग करेंगे यानी रिलेटिव, कॉमा लगाएंगे A1, यहां पर क्या लेंगे 1, शिफ्ट हिसाब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं क्या आंसर निकला है A1। इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो देख सकते हैं क्या आंसर निकला है A1। हमें देख सकते हैं कहीं यहां पर कॉलम ए, कॉलम लेटर हमने निकाला है, तो देख सकते हैं यहां पर कहीं वन है, वन नहीं है सेल एड्रेस में, हमें क्या निकालना है केवल ए, तो हम क्या करेंगे या तो हम यहां पर कर्सर रखें दूसरे सेल में इक्वल सबट्यूट फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करें यहां पर सबट्यूट, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो हुआ, इस पर ड्रिल करेंगे टेस्ट, यहां पर क्या लेंगे एड्रेस फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो, इस पर ड्रिल करेंगे रो नंबर, यानी कि क्या लेंगे वन, कॉमा लगाएंगे कॉलम नंबर ये सेल A2, कॉमा लगाएंगे ABS नंबर, क्या सेलेक्ट करेंगे 4 टाइप करेंगे रिलेटिव, कॉमा लगाएंगे A1 यानी 1 टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे ओल्ड टेस्ट हम यहां पर क्या लेंगे, क्या शो कर रहा है यहां पर 1, तो टेस्ट शिफ्ट के साथ एंटर कमा ओपन, क्या टाइप करेंगे यहां पर 1, शिफ्ट के साथ एंटर कमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे न्यू टेस्ट, हमें क्या करना है यहां पर नल, शिफ्ट के साथ एंटर कमा दो बार टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं राइट आंसर निकला है। अब हम क्या करेंगे इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो देख सकते हैं A5 हमारा E, तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 राइट आंसर निकला है। अगर हम 5 की जगह 2 टाइप करेंगे, कीवर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं बी, एक बात बी, अगर हम 3 टाइप करेंगे 2 की जगह एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं सी, 4 टाइप करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं डी। अगला एग्जांपल शीट 4 पर पहुंचेंगे,
गेट कॉलम लेटर फॉर करंट सेल, ये भी हमारा जरा फॉर्मूला है। यहां पर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट एंड एड्रेस फंक्शन। किसी भी सेल में हम कर्सर रख सकते हैं। इक्वल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम एड्रेस फंक्शन देख सकते हैं, हमारा सो इस पर करेंगे। रो नंबर क्या रहेगा हमारा, यहां पर हम क्या टाइप करेंगे, वन। क्या लेंगे, वन देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर यानी कि कॉलम फंक्शन सर्वल करेंगे। रेफरेंस हम क्या करेंगे, यहां पर क्या टाइप करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एबीएस नंबर क्या सेलेक्ट करेंगे, 4, रिलेटिव कॉमा लगाएंगे, A1 टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है, B1। हमें क्या लेना है, कॉलम लेटर करंट सेल, यानी कि ये जो सेल एड्रेस शो हो रहा है AB, तो हमें वन को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसी सेल में हम कर्सर रखेंगे और हम यहां पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट फंक्शन। दे सकते हैं हमारा सो इसमें ट्रिपल करेंगे। हम क्या करेंगे, लास्ट में यहां पर कर्सर रखेंगे, हम क्या पास करेंगे, यहां पर कॉमा लगाएंगे, ओल्ड टेस्ट हमें क्या निकालना है, 1। तो शिफ्ट एंटर कॉमा ओपन, 1 टाइप करेंगे, शिफ्ट एंटर कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे, न्यू टेस्ट क्या रखेंगे यहां पर, नल, शिफ्ट एंटर कॉमा 2 बार टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है, B। हम इसको ड्रैग करके इधर को ले जाएंगे, तो दे सकते हैं राइट आंसर निकला है BCDEFG। अब हम दूसरा मेथड बताएंगे, दूसरा एग्जांपल, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, तरीका यही, दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूट के साथ इक्वल बराबर सब्स्टिट्यूट फंक्शन देख सकते हैं हमारा सो इस ट्रिपल करेंगे। टेस्ट हमारा क्या रहेगा, एड्रेस फंक्शन ट्रिपल करेंगे। रो नंबर यानी कि बन लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर यानी कि कॉलम, इसको डबल करेंगे, इस पर रेफरेंस क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एबीएस नंबर यानी 4, रिलेटिव शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ध्यान देना होगा यहां पर, कॉमा लगाएंगे, ओल्ड टेस्ट हमें क्या निकालना है, 1, यहां पर जो 1 शो हो रहा था B1, तो हम शिफ्ट के साथ कॉमा ओपन, 1 टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे, न्यू टेस्ट यानी कि नल पास करेंगे, 2 बार टाइप करेंगे, शिफ्ट साहब ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं
आंसर सेम वही निकला है। इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे, सॉरी आगे को दे सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर किया है हमने फॉर्मूले में, आंसर सेम वही निकला है। अगर अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एडवांस वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं सीट 5 पर पहुंचेंगे। हमने क्या टाइप कर रखा है यहां पर, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, यानी नेम और सेल्स मार्केटिंग एचआर। हमें क्या निकालना है, बीलू का फंक्शन का यूज करेंगे रेफरेंस के एड्रेस के साथ। पहले हम कौन सा फंक्शन करेंगे, यहां पर टाइप करेंगे इक्वल, बराबर लगाएंगे एड्रेस फंक्शन, देख सकते भाव हमारा सो इसमें लिख करेंगे। रो नंबर पहले हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे, उसके बाद विलुकअप का, देख सकते हैं मैच फंक्शन, देख सकते भाव हमारा सो गया सेटल करेंगे। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारा क्या रहेगा, हमें क्या लगाना है, देख सकते हैं डिपार्टमेंट फॉर एमा, तो हम टेस्ट पास करेंगे शिफ्ट के साथ ओपन एमा, शिफ्ट के साथ क्लोज, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या रहेगा हमारा, इसको सिलेक्ट करेंगे किसको, एम्प्लॉय को जो हमने नेम सिलेक्ट किया है A2 से A6, कॉमा लगाएंगे। मैच टाइप यानी 0 एक्स्ट्रा मैच, इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हम क्या करेंगे प्लस 1, क्या टाइप करेंगे यहां पर 1, कॉमा लगाएंगे। कॉलम नंबर क्या लेंगे यहां पर 2, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 2 टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं क्या आंसर निकला है, B5 डॉलर लगा हुआ है, राइट आंसर है। अगला एग्जांपल बिलू का फंक्शन का यूज करेंगे किसके साथ, एड्रेस फंक्शन के साथ, इक्वल बराबर एड्रेस फंक्शन, रो नंबर यानी मैच फंक्शन, लुकअप वैल्यू बी लुकअप फंक्शन, रूल करेंगे लुकअप वैल्यू, यहां पर हम क्या लेंगे, दे सकते हैं क्या टाइप है यहां पर एमा, यहां पर टाइप है शिफ्ट के साथ इनवर्ट कॉमा ओपन एमा, शिफ्ट के साथ कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे यानी कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, तो हम पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे A2 से B6, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। रेंज लुकअप फास्ट एस्टीमेट, इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे क्या करेंगे यहां पर, फिर से डिपार्टमेंट B2 से B6, कॉमा लगाएंगे। मैच टाइप 0 एक्स्ट्रा मैच, इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 1 दे सकते हैं, कॉमा लगाएंगे। कॉलम नंबर
यानी टू एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं राइट आंसर निकला है, डॉलर लगा हुआ है B5। अगला एग्जांपल, एडवांस एग्जांपल, डायनामिक रेफरेंस विद इनडायरेक्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनडायरेक्ट। ये भी हमारा जनरल फॉर्मूला है, चैनल पर बने रहिए। अभी भी और फॉर्मूला है, अभी हम आपको एवीएस फंक्शन से बताएंगे, ना फंक्शन से, चैनल पर बने रहिए। चलते हैं, इक्वल बराबर, कौन सा फंक्शन? इनडायरेक्ट फंक्शन। देख सकते हैं हमारा सो इस पर डबल क्लिक करेंगे, रेफरेंस टेस्ट, यहां पर क्या लेंगे? एड्रेस फंक्शन, इसमें करेंगे रो नंबर, रो नंबर क्या लेंगे यहां पर? मैच फंक्शन। देख सकते हैं हमारा सो इस पर डबल क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या लेंगे यहां पर? ऊपर हमने टाइप कर रखा है यहां पर एमा, शिफ्ट के साथ एंटर कमा ओपन, एमा शिफ्ट के साथ एंटर कमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, सॉरी लुकअप एरे, लुकअप एरे हम क्या लेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, हमने जो नेम को सिलेक्ट किया है तो नेम को सिलेक्ट करेंगे पूरे को A2 से A6, कॉमा लगाएंगे, मैच टाइप यानी जीरो एक्स्ट्रा मैच इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस वन, कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर टू टाइप करेंगे, देख सकते हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, शिफ्ट के साथ एड्रेस का ब्रैकेट क्लोज और इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं क्या आंसर निकला है, डिपार्टमेंट जो निकला है IT, राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल, सीट्स इस पर पहुंचेंगे, सेल्स पर्सन, सेल्स अमाउंट टाइप कर रखा है, फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहां पर? इफ फंक्शन का, एडर फंक्शन के साथ इक्वल बराबर लगाएंगे, यहां पर टाइप करेंगे इफ फंक्शन, देख सकते हैं हमारा सो इस पर डबल करेंगे, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट क्या रहेगा? ये सेल, सेल्स पर्सन A2 क्या लगाएंगे? इक्वल बराबर, यहां पर हम टू डे फंक्शन का यूज करेंगे, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया है, इस पर डबल करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, क्या लगाएंगे? कॉमा, वैल्यू ट्रू, अगर ये सेल राइट है तो हम क्या पास करेंगे? एड्रेस फंक्शन, स्पेशल करेंगे रो नंबर यानी कि रो फंक्शन, देख सकते हैं हमारा सो स्पेशल करेंगे, रेफरेंस यानी ये सेल, सेल्स अमाउंट B2, हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे या फिर हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर यानी कि कॉलम फंक्शन, देख सकते हैं हमारा सो इसमें डबल करेंगे, रेफरेंस यानी ये सेल B2, शिफ्ट के साथ कॉलम का ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ एड्रेस का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू पास, अगर ये सेल क्या यहां पर हमने मिस्टेक कर दिया है थोड़ा सा, यहां पर हमने यहां पर जो सेल्स अमाउंट यहां पर 7000 टाइप कर रखा है वो हमने यहां पर टाइप नहीं किया है, इक्वल के पास लगाना था यहां पर, तो हम यहां क्या करेंगे यहां पर
इसको हम कैंसिल करेंगे, देख सकते हैं ये फंक्शन लॉजिकल टेस्ट यानी कि ये सेल B2 ग्रेटर देन शिफ्ट के साथ क्या पास करें यहां पर 7000 दे सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहां पर कॉमा वैल्यू ट्रू यहां पर क्या पास करेंगे एड्रेस फंक्शन दे सकते हैं, फॉर्म हमारा सब करेंगे रो नंबर यानी कि यहां पर क्या लेंगे हम रो फंक्शन दे सकते हैं, फॉर्म हमारा सो एसर डबल करेंगे रेफरेंस यानी कि ये सेल B2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे कॉलम नंबर यानी कॉलम फंक्शन रेफरेंस यानी ये सेल B2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज ऐसे ब्रैकेट क्लोज एड्रेस का कॉमा लगाएंगे वैल्यू पास हम क्या पास करेंगे अगर 7000 से कम है तो क्या पास करें यहां पर रिटर्न बेलो थ्रेशोल्ड दे सकते हैं, टेस्ट पास करेंगे ओपन बेलो थ्रेशोल्ड क्लोज शिफ्ट साहब ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं राइट आंसर निकला है, ये जो प्लस करना स्पेशल करेंगे तो दे सकते हैं आंसर पूरा सो गया है, ये जो प्लस करना सामान स्पेशल करेंगे हमने क्या पास किया था यहां पर ग्रेटर दें 7000 तो दे सकते हैं यहां पर 5000 लिखा है यानी 5000 तो दे सकते हैं बेलो थ्रेशोल्ड और 7500 तो दे सकते हैं यहां पर सेल एड्रेस B3 बेलो थ्रेशोल्ड और दे सकते हैं यहां पर 9000 टाइप है तो दे सकते हैं B5 डॉलर में राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सीट 7 पर पहुंचेंगे, डेट सेल्स अमाउंट हमें क्या निकालना है एड्रेस निकालना है, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा फंक्शन यूज करें यहां पर हम टुडे फंक्शन कौन सा फंक्शन टुडे इक्वल बराबर लगाएंगे इफ फंक्शन देख सकते हैं हमारा सो इस पर डबल करेंगे लॉजिकल टेस्ट यानी कि ये सर डेट वाला A2 इक्वल बराबर लगाएंगे टुडे फंक्शन कौन सा फंक्शन टुडे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे वैल्यू ट्रू अगर ये सेल राइट है तो हम क्या पास करेंगे यानी सेल्स अमाउंट हमें निकालना है एड्रेस फंक्शन सेटल करेंगे रो नंबर यानी कि रो फंक्शन देख सकते हैं डबल करेंगे रेफरेंस यानी ये सेल B2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज हम क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे
कॉलम नंबर यानी कॉलम फंक्शन, रेफरेंस यानी ये सेल बी टू, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कॉलम का शिफ्ट के साथ एड्रेस का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू पास, अगर सेल रॉन्ग है तो क्या पास करें यहां पर नल, शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा, दो बार टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं नल का मतलब ब्लैंक सेल। हम जो प्लस का निशान है उसको डबल क्लिक करेंगे, दे सकते हैं टू डे फंक्शन एड्रेस के साथ हमने यूज किया है, राइट आंसर निकला है बी फोर, यानी कि 17 अगस्त 2024 आज की डेट है। लाइक कीजिए, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया हो तो कर सकते हैं। अगला एग्जांपल शीट 8 पर पहुंचेंगे, हमने डेट एंड टाइम टाइप कर रखा है और एक्टिविटी एड्रेस हमें निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज करें यहां पर नाउ फंक्शन, ये भी हमारा जगह फॉर्मूला है, चैनल पे बने रहिए। इक्वल बराबर लगाएंगे, कौन सा फंक्शन यूज करें यहां पर इफ फंक्शन, देख सकते हैं हमारा सो जो करेंगे, लॉजिकल टेस्ट यानी कि एबीएस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर, नंबर यहां पर क्या लेंगे डेट एंड टाइम ए टू, क्या लगा यहां पर माइनस यानी हाइफन डैश, हम क्या लगाएंगे नाउ फंक्शन यानी कि स्पेसिफिक करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एबीएस का ब्रैकेट क्लोज, हम क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे बराबर, यहां पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे मीन फंक्शन, देख सकते हैं हमारा शो हो गया, डबल करेंगे नंबर वन यानी कि एबीएस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू, नंबर नंबर क्या लेंगे यहां पर डेट एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे इसको ए टू से ए सिक्स, इसको हम क्या करेंगे लॉक करेंगे कीबोर्ड में एफ फोर प्रेस करेंगे, लॉक हो गया है, कॉमा लगाएंगे, हम क्या करेंगे माइनस नाउ फंक्शन, देख सकते हैं फोन हमारा सो गया, इसको डबल करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एबीएस का ब्रैकेट क्लोज, मीन का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू प्रूव यानी कि एड्रेस फंक्शन, इसको डिलीट करेंगे, रो नंबर यानी कि रो फंक्शन, इसको डिलीट करेंगे, रेफरेंस क्या लेना है यहां पर एक्टिविटी यानी इस सेल को सिलेक्ट करेंगे बी टू, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर यानी कॉलम फंक्शन, स्पेशल करेंगे रेफरेंस यानी ये सेल बी टू, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एड्रेस का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू पास, अगर सेल रॉन्ग है तो हम क्या पास करेंगे नल यानी ब्लैंक सेल, शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा, दो बार टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा क्लोज,
कीवर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे इक्वल एबीएस फंक्शन दे सकते हैं ए टू माइनस यानी डैश नाउ फंक्शन। यहां पर हमने सही है राइट है इक्वल मीन फंक्शन एबीएस ए टू से ए सिक्स माइनस नाउ फंक्शन एड्रेस, एड्रेस के बाद रो बी टू कॉमा कॉलम कॉलम फंक्शन बी टू एंटर प्रेस करेंगे और वो हमारा राइट है। एंटर प्रेस करेंगे नाउ इफ एबीएस ए टू माइनस नाउ फंक्शन ब्रैकेट क्लोज इक्वल मीन एबीएस इसको हम कैंसिल करेंगे फिर से रिपीट करेंगे इक्वल बराबर इफ फंक्शन दे सकते हैं लॉजिकल टेस्ट यानी कि एबीएस फंक्शन नंबर नंबर यहां पर क्या लेंगे ए टू माइनस यानी हाइपन नाउ फंक्शन शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज ऐसे ब्रैकेट क्लोज बराबर लगाएंगे मीन फंक्शन दे सकते हैं एबीएस फंक्शन इसमें डबल करेंगे एबीएस फंक्शन नंबर नंबर क्या लेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे ए टू से ए सिक्स कोमा लगाएंगे सॉरी माइनस लगाएंगे नाउ फंक्शन शिफ्ट क्लोज करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे इससे ब्रैकेट क्लोज मीन का ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे वैल्यू ट्रू यानी एड्रेस फंक्शन शेड्यूल करेंगे रो नंबर यानी रो फंक्शन शेड्यूल करेंगे
रेफरेंस, रेफरेंस क्या रहेगा हमारा, ये सेल बी टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर यानी कॉलम फंक्शन इसमें डबल करेंगे, रेफरेंस यानी ये सेल बी टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज फिर से ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे, वैल्यू पास क्या पास करेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा दो बार टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है। क्या मिस्टेक हो रहा था यहां पर, यहां पर हमने कॉमा लगा दिया था, लंबा वीडियो हो गया था ये थोड़ा, फॉर्मूला इक्वल सॉरी ये जो प्लस करना है इसको डबल करेंगे तो दे सकते हैं राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सीट 9 पर पहुंचेंगे, लास्ट फॉर्मूला स्कोर स्टूडेंट नेम टाइप कर रखा है, हमें क्या निकालना है इंट फंक्शन एड्रेस के साथ, ये भी हमारा एड्रेस फॉर्मूला है, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, एड्रेस फंक्शन देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो इस पर डबल करेंगे, रो नंबर यानी कि इंट फंक्शन देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो इस पर डबल करेंगे, नंबर नंबर क्या लेंगे यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमने क्या टाइप रखा है इंटीजर 3.7, तो हम टाइप करेंगे 3.7 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर यानी कि कॉलम फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो है इसमें डबल करेंगे, रेफरेंस रेफरेंस क्या लेंगे हम स्टूडेंट नेम यानी बी टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एड्रेस का ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है B4। अगर कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा हो तब भी आप कर सकते हैं। एडवांस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो इसी तरह देखने को मिलती रहे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू।